हे गाइस, वेलकम टू स्टडी बाय हार्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जनरल नॉलेज की सीरीज़ के बारे में, और इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये उसका पार्ट टू है। और इसका पार्ट वन भी हमने अपलोड पहले कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन दोनों में दिया है। तो इसको मैं प्रेजेंट करूँगा, मैं अविनाश कौशल। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पंजाब का आपको एक्वेटिक एनिमल बताना है, और पंजाब का एक्वेटिक एनिमल है जो हमें स्टेट का माना जाता है, जो कि है इंडस रिवर डॉल्फिन। इंडस रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है मानसरोवर से, जो कि तिब्बत में है, और वहाँ से हमारे लेह लद्दाख के हिस्से से कवर होती हुई ये ऑल ओवर पाकिस्तान कवर करती है, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है, और वहाँ पर ये जाके अरेबियन सी में जाके समा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कि सीबीआई का डायरेक्टर जो अभी अभी नियुक्त हुआ है कौन है। और आपको बता दूं कि सीबीआई में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है उनके डायरेक्टर को लेके, कि इसका डायरेक्टर कौन होना चाहिए। इसको पुराने डायरेक्टर के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसके बारे में न्यूज़ में आपने पढ़ा भी होगा अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो। तो इसका आंसर है ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला जी को सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड नेवल एयर बेस अंडेमान निकोबार में, नेवल एयर बेस के मतलब क्या है। नेवल एयर बेस का मतलब है इसको नेवी और एयरफोर्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए इसका नाम है नेवल एयर बेस। और इसका आंसर है INS कोहासा, जो कि शिवपुर विलेज में है नॉर्थ अंडेमान आइलैंड पे। और नॉर्थ आपको मेनली यही याद रखना है कि ये कौन से आइलैंड पे है, ये है नॉर्थ अंडेमान आइलैंड पे। और अगर थर्ड है तो पहले दो भी होंगे, पहले दो हैं INS बाज और INS उत्क्रोश, जो कि कैंफिल बेल और पोर्ट ब्लेयर दोनों में है। पोर्ट ब्लेयर अंडेमान और निकोबार की राजधानी भी है, और ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूएन में। यूएन में 2016 से एक ही बंदा हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन साहब काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर है हमारे इंडिया की, और इन्होंने काफ़ी रेजोल्यूशंस को पास कराने में इंडिया की हेल्प की है, और काफ़ी जो वीटोज़ हमारे खिलाफ लगी हैं उनके बारे में काफ़ी बार रिप्रेजेंट किया है हमें यूएन में, और ये यूएन के काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर है हमारी यूएन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट पर्सन बताना है जो कश्मीर से हैं जिन्होंने अशोक चक्कर को रिसीव किया है। अशोक चक्कर एक लेंट्री अवार्ड है जो कि पीस टाइम में दिया जाता है, और कश्मीर से ये बंदा जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन है जो कि कश्मीर से ही इसको रिसीव करने वाला है। और कश्मीर आपको पता है एक डिस्प्यूटेड वैली है, जिस इंडिया और पाकिस्तान में के बीच में काफ़ी वहाँ पे क्राइसिस रहता है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस रहती हैं, और वहाँ से अगर कोई बंदा हमारे इंडिया का अशोक चक्कर रिसीव कर रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है ये। और उनका नाम है लांस नायक नज़ीर अहमद वानी, और ये पर्सन को आपको याद रखना है कि कौन थे, और ये पर्सन फर्स्ट पर्सन है कश्मीर में से जो कि अशोक चक्कर को रिसीव करने वाले हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज़ क्याकू पोर्ट। क्याकू पोर्ट है म्यांमार में, जिसको चाइना डेवलप कर रहा है, और अगर चाइना डेवलप कर रहा है तो इंडिया ने भी कुछ डेवलप किया होगा। इंडिया डेवलप कर रहा है यहाँ पे सितवे पोर्ट, जो कि है म्यांमार में, और कलादन प्रोजेक्ट यहाँ पे म्यांमार में जो कलादन प्रोजेक्ट है उसके लिए ये सितवे पोर्ट को डेवलप कर रहा है इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि कलादन प्रोजेक्ट क्या है। ये रहा हमारा कोलकाता का पोर्ट। कोलकाता के पोर्ट से, ये मैं कलादन प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, कलादन प्रोजेक्ट में हम कोलकाता के पोर्ट को ऑल द वे यहाँ से लेके पहले सी रूट से यहाँ पर सितवे पोर्ट तक कनेक्ट करेंगे, और सितवे पोर्ट से ये रिवर जो है कलादन रिवर, ये वाली और ये वाली रिवर से आगे प्लेटवा तक, ये सारा वाटर का डिस्टेंस है, और प्लेटवा से ये कार्गो ट्रक्स में अनलोड होके यहाँ तक हमारे मिज़ोरम के ये वाले हिस्से में जाएगा, और जहाँ से हम
नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेंगे हमारे कोलकाता से, क्योंकि यहाँ पर पता है कि बांग्लादेश की ऊपरली साइड पे सीरीगुली कॉरिडोर रहता है, अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए वहाँ पे और वो कॉरिडोर बंद हो जाए तो हम इस रूट को यूज़ करके हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रेसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न 2019 में भारत रत्न किन किन को मिला है, वो है भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख एक रिफॉर्मिस्ट थे, प्रणब मुखर्जी हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और भूपेन हजारिका जी भी एक पॉलिटिशियन थे। भूपेन हजारिका जी के नाम पे भूपेन हजारिका ब्रिज भी बनाया जो जिसका नाम डोला सादिया ब्रिज भी है और इंडिया का ये सबसे बड़ा ब्रिज है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और भारत रत्न के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हर साल देना मैंडेटरी नहीं है, कि हर साल इसको देना ही देना है, और अगर एक साल में देना है तो ये सिर्फ 3 आदमियों को मैक्सिमम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। भारत रत्न की जो रिकमेंडेशंस है ना, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जाती हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको फिर सम्मानित करते हैं। फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्डेड भारत रत्न पोस्थ्यूमसली, पोस्थ्यूमसली होता है मरणोपरांत, मरने के बाद अगर किसी आदमी को भारत रत्न मिलता है तो उसको पोस्थ्यूमसली भारत रत्न दिया माना जाएगा। और ये पहला पर्सन कौन था, वो थे हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत मिला था और लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी 1966 में ताशकंत में। ताशकंत है उज़्बेकिस्तान की राजधानी, और 1965 की वॉर के बाद पाकिस्तान के साथ समझौता करने गए थे वहाँ पे और वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। और फर्स्ट पॉलिटिशियन कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था, वो थे हमारे सी राजा गोपालचारी। सी राजा गोपालचारी हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल भी हैं, इंडियन गवर्नर जनरल हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। फर्स्ट फिलोसोफर कौन थे, फर्स्ट फिलोसोफर थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट भी हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे, वो थे हमारे सी वी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। सी वी रमन जी को मिला था 1930 में, और इनको मिला क्यों था, इनको मिला था 1929 में जो उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी उसके लिए। दुनिया का सबसे लाइटेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, वो है हमारा क्लाम सेट, ये हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया था और इसकी जो टाइम थी कितने टाइम के लिए गया था वो है 2 मंथ्स, 2 मंथ के लिए इसको भेजा गया था, उसके बाद ये ओवर हो जाएगा, लेकिन ये दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा, अगर सीखने को मिला है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।